गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस वे पटरी से उतरने के बाद हादसों का दौर थमा नहीं। अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा और राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दोनों तस्वीरें अमरोहा और अलवर की हैं। अमरोहा में मालगाड़ी ट्रेन के कई डिब्बे ट्रैक से उतर गए, जिस कारण दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। मालगाड़ी ट्रैक से उतरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर राजस्थान के अलवर रेलवे जंक्शन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा अलवर ट्रैक पर मालगाड़ी के 3 वैगन रात करीब 2:30 बजे पटरी से उतर गए। ये घटना यार्ड से फर्टिलाइजर खाली करके निकलने के 2 मिनट बाद ही हो गई। यार्ड से केवल 300 से 400 मीटर दूर ही मालगाड़ी पहुंची थी, तभी पटरी से उतर गई। रात को ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों में मालगाड़ी के पटरी से उतरने की कहानी है। कल्पना कीजिए कि अगर इस जगह कोई पैसेंजर ट्रेन होती तो स्थिति क्या होती। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं रेलवे में मेंटेनेंस के ऊपर सवाल उठा रही हैं, या इस बात पर भी सवाल उठा रही हैं कि जो लोग रेलवे में इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि पटरी की मजबूती और पटरी की पकड़ और पटरी की अच्छाई सुनिश्चित करें, उनकी क्या कमी तो नहीं हो गई। सर, क्या मामला है पूरा? कब हादसा हुआ? कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही थी और कौन सा ट्रैक बाधित हुआ है? ये एक गुड्स ट्रेन थी जो अलवर गुड्स शेड से निकली थी और अलवर स्टेशन पर इसे रिसीव किया जा रहा था। यहाँ से इसे रेवाड़ी भेजाना जाना था, तो करीब 2:30 बजे के आसपास ही पता चला न्यूज़ कि ये 3 डिब्बे डिरेल हो गए हैं इसके। ये गुड्स ट्रेन थी और रेवाड़ी जाना थी इसको। सर, अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक की क्या स्थिति? ये अलवर मथुरा रेल ट्रैक बाधित हुआ था, जिसे अभी रिस्टोर कर लिया जाएगा जल्दी ही। मेन जो रूट है दिल्ली मुंबई वाला, वो बिल्कुल बाधित नहीं हुआ, ना कोई ट्रेन अफेक्ट हुई है। मुंबई नहीं, अभी कोई इफेक्ट नहीं हुई है इसमें। ट्रेन अभी नॉर्मल ट्रेन चल रही है। नहीं, एक NI के वर्क भी चल रहे हैं, उसमें कुछ अफेक्ट हुई है, इसके कारण अभी कोई अफेक्ट नहीं आया है।